Okay, hi everyone. Thank you very much again for joining us here for this post-match press conference. We are joined by Ravindra Jadeja of India. As you know, we are taking these press conferences in person and also on Zoom. So we will have questions here in the room before we cut over to questions on Zoom. If you do have a question, can you please put your hand up? And then if you're selected, you can go off mute, ask your question, and then mute yourself immediately afterwards. So I will start with questions in the room, please. Hi Ravindra, congratulations on the win. Pehla sawal ye hai aapse ki New Zealand ke loss ke baad Virat Kohli ne kaha tha ki batter ball se team strong utna brave nahi thi jitna ho sakti thi. To aur abhi humne dekha intent kafi refreshing hai, kafi zyada intent se khel rahe hum. To mentally aur skills wise wo comeback karna wo kaise kiya team ne? इतना मतलब मुझे नहीं लगता है कि हम लोग ने इतना अभी अब देखें कि लास्ट 2-3 साल में हमने बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेला है, कोई भी फॉर्मेट हो, इंडिया में हो, इंडिया के बाहर हो. बट एक दो मैच के बाद हम अपने आप को ऐसा जज नहीं कर सकते कि हमने ख़राब खेला. एक दो मैच T20 में किसी के साथ भी होता है ऊपर नीचे. तो ओवरऑल हमने लास्ट 2 साल का आप रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो हमने अच्छा परफॉर्मेंस किया है. तो होता है एक दो मैच में, बट ज़्यादा वो उस मैच के बारे में हम सोचेंगे नहीं. अभी हमारे आगे जो अपॉर्चुनिटी आई है उसको हम पॉजिटिव वे में लेंगे और अच्छा जो भी आज खेले, लास्ट मैच में खेले थे, वैसे ही क्रिकेट खेलने को देखेंगे. टुडे इंडिया फील्डेड 3 स्पिनर्स. सो व्हेन इंडिया इज प्लेइंग लाइक देयर आर मल्टीपल स्पिनर्स इन देयर, हाउ डज योर रोल चेंज स्पेसिफिकली? My role was same, you know, look to, you know, take wickets in middle overs and whenever I get opportunity, try and, you know, bowl like how I used to bowl. So, बस वही plan simple था, इतना कुछ खास change नहीं था, just because we are playing against Scotland, तो बस वही simple basic plan था. Okay, we will now cut to questions on Zoom. We will start with Kushan Sarkar, please. जडू भाई, आज आप लोगों ने पहले बॉल किया तो क्या डिफरेंस लगा? मतलब आपने पहले बैटिंग भी की है इसी ट्रैक पे, आज आपने बॉलिंग पहले की, तो अभी आपको दोनों साइड का पता है, तो क्या डिफरेंस नजर आया, अगर थोड़ा बताएं हमें. फर्स्ट इनिंग में जैसे टूर्नामेंट में मैच हुए, फर्स्ट इनिंग में बॉल थोड़ा रुक के और थोड़ा ग्रिप करता है सरफेस से, और सेकेंड इनिंग में ड्यू आ जाते हैं उसकी वजह से विकेट एकदम फ्लैट हो जाता है और बैट्समैन के लिए बहुत ही ईजी हो जाता है. तो वही जो हम पहला अगर बैटिंग करते हैं तो तब इतना स्टार्ट अच्छा नहीं मिलता जो हम जितना हमें चाहिए होता है. बट वही कि जब आपको स्टार्ट अच्छा नहीं मिलता है तो T20 फॉर्मेट में मिडिल ओवर्स में भी मुश्किल है क्योंकि विकेट भी लगातार गिरते रहते हैं, पार्टनरशिप बिल्ड नहीं होता है. तो उसकी वजह से ये टॉस जीतना और पहला बैटिंग सेकेंड बैटिंग करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है. Arani Basu, please. जड्डू भाई, आपने बोला कि ये टीम 2-3 साल से बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है. इस साल का स्टार्ट भी वैसे ही हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, जब आप लोगों का बैक टू द वॉल था, आप लोगों ने कम बैक किया था, नए लड़कों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था. लेकिन जब ये पहला दो मैच हुआ तो एज सीनियर प्लेयर्स आप लोग क्या बात कर रहे थे नए लड़कों के लिए, उनके लिए भी थोड़ा सा झटका ही लगा होगा. तो मतलब कैसे वो मोराल आप लोगों ने कैसे ये किया होगा, कैसी बातें की होगी? नहीं, इतना कोई पैनिक ड्रेसिंग रूम में नहीं था, सब लोग नॉर्मल थे क्योंकि जैसे मैंने कहा T20 फॉर्मेट में एक दो मैच इधर उधर होते और इधर स्पेशली टॉस जीतना बहुत ही मतलब ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ड्यू की वजह से पूरा गेम चेंज हो जाता है. वही जो टीम पहला बैटिंग करती हो अगर वो सेकेंड बैटिंग करेगी तो पूरा अलग ही बैटिंग करेगी. तो मेरे ख्याल से जो ड्यू का फैक्टर है वो बहुत बड़ा है, उसकी वजह से ऐसा कुछ लगता है कि जो पहले बैटिंग कर रही है वो टीम कुछ अलग ही खेल रही है और जो सेकंड बैटिंग कर रही है वो भी टीम कुछ अलग खेल रही है. तो मेरे ख्याल से ड्यू की वजह से ये सब कुछ मतलब पूरा गेम चेंज ड्यू की वजह से हो रहा है. अनुज मिश्रा, योर क्वेश्चन प्लीज. जडेजा, अभी जैसे ये बातें चल रही है कि मतलब न्यूजीलैंड अगर अफगानिस्तान से हार जाए तो मतलब हमारा चांस कुछ बन पाएगा, पर अगर न्यूजीलैंड हारता ही नहीं है तो फिर क्या करेंगे? क्या क्या आप फिर से रिपीट करें प्लीज. अभी जैसे बोला जा रहा है कि अफगानिस्तान ने अगर न्यूजीलैंड को हरा दिया तभी हमारा चांस है क्वालिफाई करने का सेमीफाइनल में, बट अगर अफगानिस्तान नहीं हरा पाता न्यूजीलैंड को फिर तो फिर बैग पैक करके घर जाएंगे और क्या.
Okay, we'll now move to Venkat Krishna, please, for your question. Yeah, Ravi, just like when you know you have to restrict opposition to a low score, how do you guys approach as a bowling group? Because you have to be patient as well, right through. Even if wickets don't come in 2-3 overs, there is a chance that you might lose the patience as well. Could you talk about what you guys plan as a bowling group in approaching games like this, please? You mean while bowling? While bowling, yeah. Nothing, we were, looked to bowl in good areas because ball was gripping, odd ball was turning, odd ball was spinning. So I think the key was to bowl in, right areas as a spinner, as a fast bowler. So yeah, we were looking to bowl in good areas and rest wicket was doing the job. Okay, that will conclude the press conference. Thank you very much for your time, Ravindra. And congratulations. Recording stopped.